सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आज आपको मैं पृष्ठ मुद्रा बताने जा रहा हूँ। पृष्ठ मुद्रा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह पीठ के लिए होता है, यानी पीठ दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, इसका मुख्य कार्य है इनको ठीक करना। इसके अलावा यह हमारे जोड़ों के दर्दों को भी ठीक करता है, जैसे गठिया बात जिनको हो गया है, अर्थराइटिस है, हड्डी में कहीं भी दर्द है, हड्डी के भीतर में भी दर्द है, तो उसके लिए भी यह बहुत लाभदायक है। इसको करने का सही तरीका यह है, सुबह खाली पेट में या शाम को भी भोजन करने से पहले, यानी भोजन यदि आप किया है तो 8 घंटा बीत जाना चाहिए, तब आप बैठ करके इसको कर सकते हैं। और जब आप बैठते हैं तो हल्के वस्त्र धारण करके बैठें और किसी ध्यान आसन पर बैठें, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या भद्रासन। जब एक बार बैठ गए आप, तो अब आप, यह चूंकि हस्त मुद्रा है तो आपको हाथ की मुद्रा बनानी है, तो पहले आपको दाएं हाथ का बता दूं कि दाएं हाथ में आप ये मध्यमा उंगली को और कनिष्ठा उंगली को मिला लेंगे और इसे अंगूठे से मिला लेंगे। बाकी जो दो उंगलियां हैं, यानी अनामिका और तर्जनी, यह रिंग फिंगर और यह इंडेक्स फिंगर, ये स्ट्रेट होंगी। बाकी मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब मिले रहेंगे आपस में। और यह जो बाया हाथ है, बाया हाथ में तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को मोड़ लेंगे और इसे स्पर्श करा देंगे अंगूठे से। हल्का सा जो इसका आगे का भाग है, उस भाग को पूरा स्पर्श कराना है, या इसको टिप से नहीं मिलाएंगे बल्कि इसको पूरा इस भाग को स्पर्श कराएंगे। और इसे अब आप घुटने पर रखेंगे और सीधा बैठेंगे, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे। लंबी श्वास चलेगी, लंबी छूटेगी, नाभि को अधिक से अधिक भीतर ले जाना है, अधिक से अधिक बाहर लाना है। जब श्वास भरेंगे तो नाभि ऊपर उठ जाएगी, जब श्वास छोड़ेंगे तो नाभि भीतर चली जाएगी। देख लीजिए, आपको 108 सांस तक इसे चलाना है। कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आप 108 सांस तक पहुंच सकें, अपनी शक्ति के अनुसार इसे धीरे धीरे आप क्रमशः बढ़ाते रहें और जब 108 तक पहुंचेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपके बैक पेन में और घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में, पीठ के दर्द में और ये साइड रिप्स की जो हड्डी रिप्स है, हड्डी इनमें जो दर्द होता है या बोन में कहीं पेन है, तो आपको आराम मिलने लगा। यह बहुत ही लाभदायक है। जो भी इन रोगों के मरीज हैं उन्हें इसे अपनाना चाहिए।
और इसका लाभ उठाएं। यही हमारी आपसे नम्र निवेदन है, विनती है। ओम।